आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ ए एंड बी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर ए माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में ए प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें जो ए और बी है वो क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स हैं और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो हमें शो करना जो दो रूट्स आएंगे मेरे, वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल शो करने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर जो बी है अपना वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी कोफिशिएंट होता है। सो डी निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं इसके लिए, 5 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, कितना है ए माइनस बी है, और सी की वैल्यू है माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि सी नेगेटिव का है। सो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी यहाँ से। सो डी हम निकालेंगे, ये कितना बन जाएगा, 25 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड 4 इंटू टू 8। सो डी मेरा ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं और हमको क्वेश्चन में बोला भी गया कि ए और बी आपस में इक्वल तो नहीं है। ठीक है, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और ए और बी दोनों रियल नंबर है अपने पास। अगर ए और बी दोनों रियल हैं, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल, दोनों रियल नंबर हैं एंड ए आपस में बी के इक्वल भी नहीं है मेरा, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर वाली टर्म है। सो किसी भी दो रियल नंबर को जब हम ऐड करेंगे, उसको स्क्वायर निकालेंगे, तो हमेशा टर्म पॉजिटिव ही आएगी। तो मुझे पता है अपने पास कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है अपने पास, ये हमेशा ग्रेटर देन मेरा जीरो आएगा, मेरा ग्रेटर देन जीरो रहेगा अपना, इक्वल टू भी जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बोला गया जो रियल नंबर अपना उसका सम निकालेंगे अपना, वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला अपना। और इसी तरह से अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो किसी भी दो रियल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको स्क्वायर निकालेंगे, तो वो भी पॉजिटिव होएगा मेरा, वो भी ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। सो दोनों टर्म मेरी हमेशा पॉजिटिव होंगी, कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती मेरी यहाँ से, क्योंकि होल स्क्वायर है और रियल नंबर है दोनों मेरे, ये ए और बी, और इसको स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो रियल नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी टर्म अपने पास। और 25 और 8 भी मेरे पॉजिटिव टर्म्स हैं यहाँ पर, सो यानी जो मेरे डी हो गया बेसिकली, डी की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो गई, सो डी हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है मेरा, इतना हमको कन्फर्म हो गया। डी कभी नेगेटिव नहीं होगा और ना कभी जीरो के इक्वल होगा, सो डी क्या होगा मेरा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स किस टाइप के होते हैं, हमको पता है तीन कंडीशन होती है, जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, तो रूट्स होते हैं मेरे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। और रूट्स का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू में माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। यहाँ पर डी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है अपने पास, तो रूट्स अपने रियल ही आएंगे हमेशा और अनइक्वल होंगे मेरे यहाँ पर। सो ये दिस इज द आंसर, यही मुझे शो करना था इसके अंदर कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो हमने देख लिया कि डी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।